जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। एक बार फिर से यूपी सरकार की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है और एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपने बीएड कोर्स किया है या फिर आपने बीटीसी कोर्स किया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया था। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ा फैसला आ चुका है। फर्स्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और साथ ही साथ आप ट्विटर पर फॉलो ज़रूर कर लें, आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। पहले डीएलएड के लिए आवेदन काफ़ी कम हुआ करते थे, कारण यह था कि बीएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक लेवल में सम्मिलित थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश डीएलएड एडमिशन के लिए 5 लाख से भी अधिक आवेदन हुए हैं। लगभग 5,09,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि प्राथमिक की बीएड की भर्ती को बाहर होने के क्रेज के कारण ये बढ़ गया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल बाद काफ़ी पहले इसमें सीटें जो हैं वो फुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से बीएड जो है वो बाहर कर दिया गया है। इसके बाद प्रवेश के लगातार अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन जो है वो कराए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसमें लगभग 5,09,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। बीएड और बीटीसी मामले में अगर हम यूपी सरकार की बात करें तो काफ़ी बड़ा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है कि जहां पर सभी राज्य अपनी तरफ से ऐलान कर चुके हैं कि बीएड भर्ती में जो भी भर्तियां होंगी उसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, प्राथमिक में बीएड वाले नहीं रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का अभी तक बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए अभ्यर्थियों को अभी तक इस चीज़ का कंफ्यूजन हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में रहेंगे या नहीं। ये कंफ्यूजन की स्थिति अभी तक क्लियर नहीं की गई है। तो आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना कि यूपी गवर्नमेंट किस ओर रुख कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने के लिए यूपी सरकार का अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बीएड प्राथमिक में सम्मिलित होगा नहीं, ऐसा जो सवाल है छात्रों के दिमाग में, इसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश आया है कि 28 जून 2018 NCT की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए, जो कि अधिसूचना पहले से ही रद्द हो चुकी है। जब NCT की अधिसूचना ही नहीं है और उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, तो अब बीएड सभी राज्यों में प्राथमिक में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं हो सकता, ऐसी बात बाकी लोगों के जरिए बताई जा रही है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो ये थी इस वीडियो से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। शिक्षा जगत की सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा देना कहीं आपसे कोई भी अपडेट ना छूट जाए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ ट्विटर पर ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।